नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं। बड़ी चर्चा, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के लगातार दूसरे कार्यकाल का दूसरा साल पूरा हो गया। इन सालों में मोदी सरकार ने कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की, तो पर चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। मोदी सरकार दूसरे कार्यकाल में अमित शाह की जगह भी मिली। मोदी शाह की जोड़ी ने कुछ ही महीनों में कई वो असंभव कार्य कर दिखाए जो होना मुश्किल था। वहीं इस दौरान भाजपा नीति भी कई बदलाव लेकर आई, कई ऐसे काम किए गए, कई ऐसे चुनौतियां भी सामने आई जिसको लेकर मोदी सरकार हर समय दृढ़ संकल्प के साथ आगे खड़ी रही। वहीं कई ऐसे फैसले भी लिए गए, कई ऐसे फैसले लिए गए केंद्र सरकार के द्वारा जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। तो इन 7 सालों में कितना कमाल करके दिखाया है नरेंद्र मोदी सरकार ने, और क्या कुछ बदलाव के साथ, और इन बदलावों को जनता ने किस तरह से अपनाया है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और इन 7 सालों में कितने कमाल, कितने क्या वो विकास का जो नारा लेकर नरेंद्र मोदी सरकार चली थी राह पर, क्या उस नारे में बदलाव आया है। कोरोना के समय में जिस तरह से परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, तो उसको लेकर कितनी चुनौतियां सामने आई, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे बड़ा आज का सवाल यही है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर कितना कमाल, और इस बीच कितने सवाल उजागर हो रहे हैं। तो आज का बड़ा सवाल यही है कि इन 7 सालों में कितना कमाल कर दिखाया है सरकार ने, और कितने सवाल उनके समक्ष आकर खड़े हो गए हैं, इस पर ही चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार पंकज रस्तोगी जी, साथ ही साथ हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक दिलीप यशवर्धन जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले मैं दिलीप जी आप पर आना चाहूंगी और आपसे पूछना चाहूंगी, क्या लगता है आपको 7 साल किसी की उपलब्धि को गिनाने के लिए और नाकामी को दर्शाने के लिए काफी होते हैं, मेरा मानना है। तो इन 7 सालों में आपको क्या लगता है कि केंद्र सरकार ने कितना काम किया है, विकास की राह पर कितनी आगे बढ़ी है। एक ने कहा है कि निंदक नीरे राजकीय आंगन को भी छवाए, यानी कि आपके जो क्रिटिसाइज करने वाले लोग होते हैं उनकी आप हमेशा सुनते रहिए, आपको अच्छा रास्ता दिखेगा। और स्पेशली क्रिटिसाइज करने वाला व्यक्ति जब किसी पॉलिटिकल पार्टी का ना हो, जो समाज के नजरिए से बात करता हो, समाज को लेकर के बात करता हो, समाज के बीच रह करके समाज की बात जाना चाहता हो, तो उसका क्रिटिसिज्म बहुत महत्वपूर्ण होता है। और क्रिटिसिज्म हमेशा नेगेटिव नहीं होता है, क्रिटिसिज्म हमेशा आपकी भलाई के लिए भी किया जाता है, बशर्ते कि आप उसको किस अंदाज में ग्रहण करते हैं। मोदी सरकार के 7 सालों की जो आपने बात करी, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले 7 सालों में मोदी जी ने देश हित में बहुत सारे बड़े बड़े फैसले लिए जो लोगों को, जनता को लगता था कि शायद इन पर फैसला होना असंभव है, सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट बन के रह गया है, इस पर सरकार डिसीजन कभी नहीं लेगी। उन पॉइंट्स पर मोदी सरकार ने बहुत क्लियर कट डिसीजन लेकर के उनका पॉलिटिकल एंड कर दिया। बहुत सारे ऐसे डिसीजंस थे जो देश हित में लिए गए, जनहित में लिए गए, जनता के लिए लेकर लिए गए। लॉ के पॉइंट से बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लिए जिनका इम्पैक्ट जनता को आज अच्छा शायद ना दिख रहा हो, लेकिन आने वाले समय में उसका इम्पैक्ट जरूर अच्छा दिखेगा। उस पर कहीं ना कहीं जो चोरी होती है, कालाबाजारी होती है, जो करप्शन है, उस करप्शन से लगाम लगेगी। टैक्स लॉस को लेकर के बहुत सारे रिफॉर्म किए गए हैं जिससे आने वाले समय में देश की इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा। ये सारे काम इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर के मोदी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत सारी चीजें की हैं, लेकिन आम जनता को जो हिट करे, जो एक देश में रहने वाले व्यक्ति हैं, वो 3 लेयर है उनकी। एक अमीर लोग हैं, एक बहुत गरीब लोग हैं, और एक मिडिल क्लास आदमी है। अगर मैं मिडिल क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो मिडिल क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से मोदी सरकार ने आज तक कोई ऐसा फैसला नहीं लिया या कोई ऐसा काम नहीं किया जो मिडिल क्लास के लोगों को फायदेमंद नजर आए। चाहे वो बजट में ले लीजिए, चाहे वो टैक्सेशन को लेकर के ले लीजिए, चाहे वो महंगाई को लेकर के ले लीजिए, चाहे वो किसी भी चीज को लेकर ले लीजिए, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के ले लीजिए, इन सारी पॉइंट्स पर मोदी सरकार ने कोई डिसीजन आज तक बढ़िया नहीं लिया है। मैं इसका क्रिटिसिज्म करता हूं और उनके भले के लिए करता हूं, क्योंकि आप जब तक जनता से 1-to-1 कनेक्ट नहीं करेंगे, अगर आप सिर्फ जातिगत चीजों को लेकर चलेंगे, आप सिर्फ एक पर्टिकुलर वर्ग को देखेंगे कि गरीब आदमी है, उसको खाते में पैसा भी मिल जाना चाहिए, उसके घर में मंथली राशन भी पहुंच जाना चाहिए, तो जो मिडिल क्लास आदमी है वो क्या करेगा? वो टैक्स भी पे कर रहा है
और सरकार की तरफ से उसके टैक्सेस का उसको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, सरकारी संसाधनों का उसको कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिन पर मोदी सरकार को ध्यान देना चाहिए था। अब अगर मैं वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान समय में जो ये कोरोना का काल चल रहा है पिछले 4-5 महीनों से, इन 4-5 महीनों में जो मोदी सरकार की तरफ से डिसीजंस हुए हैं वो जनता के अगेंस्ट हुए हैं। चाहे वो बंगाल के इलेक्शन को लेकर के ले लीजिए, चाहे वो कुंभ कराने को ले लीजिए हरिद्वार में, चाहे वो उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव को ले लीजिए, और चाहे अन्य लापरवाहियों को ले लीजिए। मैं एक चीज का समर्थन करता हूं कि जिस तरीके से ऑक्सीजन की क्राइसिस इस कोविड काल में आई, या एकदम से नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, बेड्स की कमी हो गई, तो ये इतना सारा क्राइसिस एक झटके में संभाल पाना ये किसी भी गवर्नमेंट के लिए संभव नहीं था। क्योंकि जहां पर एक ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती हो वहां एकदम से 100 ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाए तो कोई भी गवर्नमेंट होगी उसके लिए क्राइसिस आ जाएगी। ये मैं मानता हूं कि यहां पर गवर्नमेंट का कोई दोष नहीं है, लेकिन इसको लेकर के जो कालाबाजारी हो रही थी वो रोकना गवर्नमेंट का काम, अगर वहां गवर्नमेंट फेल होती तो ये गवर्नमेंट का दोष है। आए दिन दवाइयां पकड़ी जा रही, सिलेंडर पकड़े जा रहे हैं, और गवर्नमेंट खुद स्टेटमेंट दे रही है कि कालाबाजारी हो रही है, तो कालाबाजारी कौन रोकेगा? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पब्लिक हित में किसका काम है? ये मेरा आपका काम नहीं है, ये आम जनता का काम नहीं है, ये सरकार का काम है, और सरकार के पास बहुत सारी एजेंसीज हैं जिसको करना चाहिए था। बंगाल इलेक्शन आप रोक सकते थे, यूपी में पंचायत इलेक्शन आप रोक सकते थे, जो हरिद्वार में कुंभ चल रहा था उसको आप रोक सकते थे, और वहां पर आप सारा का सारा फोकस जनता को के मैनेजमेंट को लेकर के कर सकते थे, कोविड मैनेजमेंट को लेकर के कर सकते थे। यहां पर मैं इस सरकार को क्रिटिसाइज करूंगा कि यहां पर सरकार ने गलत किया है। दूसरा, इस काल में जिन लोगों ने अपनी बात को रखना चाहा, मैं पॉलिटिकल व्यक्तियों की बात नहीं कर रहा हूं, जिन्होंने पॉलिटिकल मोटो से स्टेटमेंट दिए, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक आम जनता जो परेशान थी सरकार के इंतजामों को लेकर के, सरकार की नीतियों को लेकर के, सरकार के फैसलों को लेकर के, अगर मैंने अपनी कहीं कोई बात कही तो आपने मेरे ऊपर FIR करा दी, मुझे अरेस्ट करा दिया, मुझे बंद कराने की कोशिश करी, ये जनहित में नहीं है। और उसके बाद भी आपका जनता से कोई कनेक्ट नहीं बना। आप दो शब्द सहानुभूति के अगर जनता के लिए बोल देते तो वो पूरा देश जो आपके लिए थाली बजाने को तैयार था, आपके लिए ताली बजाने को तैयार था, आपके लिए आपके एक इशारे पर हर वो काम करने को तैयार था जो उसने कभी नहीं किया था। उस जनता से इस परेशानी के समय पर आपने कनेक्ट नहीं किया, आपने उसको उनके दिल को नहीं छुआ, और बहुत सारी जनता की परेशानियां थी जिसको सरकार ने सिरे से नकार दिया, कागजों में नकार दिया कि ऐसा नहीं हो रहा है, कहीं कोई कमी नहीं है, दवाइयां प्रॉपर हैं, बेड प्रॉपर है, कोई नहीं मर रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लाशों का अरेंजमेंट सही से हो रहा है। ये जो कमियां रही, देखिए प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो प्रत्यक्ष दिख रहा है, जो आम जनता को दिख रहा है, जो मुझे दिख रहा है, जो आपको दिख रहा है, उसके लिए सरकारी आंकड़े कुछ भी कहें, हम उसको मानने को तैयार नहीं। जिसको हम झेल रहे हैं, जिसको हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, उसको हम न मीडिया की बात मानेंगे, न सरकार की बात मानेंगे, न सरकारी आंकड़ों की बात मानेंगे। तो इस पर्टिकुलरली पिछले 5-6 महीनों में जो सरकार के बहुत सारे डिसीजंस रहे, वो उनमें बहुत सारी कमियां रही जनहित को लेकर के। धीरे धीरे ये मैनेजमेंट सरकार ने किया है और उसको संभाला है, मैं उसको भी अप्रिशिएट करता हूं। और ओवरऑल अगर आप उसे 7 साल का रिजल्ट पूछेंगे तो 7 साल का रिजल्ट अपर लेवल के लिए अच्छा हो सकता है, लोअर के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन मिडिल क्लास के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैं कहूंगा ये, मैं हर बार कहता हूं, कुछ चीजों को लेकर के मैं हर डिबेट में क्रिटिसाइज करता हूं। आप देखिए पेट्रोल डीजल के दाम कहां बढ़ते चले जा रहे हैं, आप देखिए गैस सिलेंडर के दाम कहां बढ़ते चले जा रहे हैं, सरसों का तेल कहां से कहां पहुंचता चला जा रहा है। तो ये हम जो आम मिडिल क्लास के लोग हैं उनका सर्वाइवल कैसे होगा? पिछले 2 सालों से हर व्यक्ति की इनकम घट रही है। अभी एक इंटरनेशनल रिपोर्ट आई थी पिछले कोरोना के बाद, जहां पर बिल्कुल हम ये भी मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं से उन्हें समय मिला था पर्याप्त इस दूसरी लहर के लिए, हालांकि इस पर वो नहीं खरी उतरी, ये चीज तो हमने देखा ही है, लेकिन जो उनकी नीतियां थी, क्या लगता है आपको, नीति कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गई दूसरी लहर को लेकर? क्योंकि पहले जब फर्स्ट फेज था उसमें जो लॉकडाउन लगा उसकी सबने सराहना की, लेकिन जो दूसरे फेज में हमने जो चीजें कमियां देखी उसमें कहां कमजोर पड़ गए? कमजोर यहां पर पड़ जाते हैं कीर्ति जी, कि जब आप अपने लोगों की सुनना बंद कर देते हैं। देखिए इस सरकार में जो कमी मैं महसूस करता हूं कि इस कमी ने पूरा का पूरा सरकारी तंत्र पे भरोसा दिखाना शुरू कर दिया। जो उनके अधिकारियों ने कह दिया कि ये अच्छा है तो सरकार ने मान लिया कि अच्छा है। आपने जनता की बात नहीं सुनी, आपने अपने जो आपके पार्टी के लोग हैं, जो लोअर लेवल के लोग हैं, जो बूथ लेवल के लोग हैं, जो जनता से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, जो आपको जनता की वास्तविक स्थिति बता रहे हैं, आपने उनकी नहीं सुनी।
आपने अपने जनप्रतिनिधियों की नहीं सुनी, आपने अपने पार्टी के लोगों की नहीं सुनी, उनको सिरे से नकार दिया। तो ये इसको मैं मद कह लूं या विनाश काले विपरीत बुद्धि कह लूं या जो भी कह लीजिए, और इसका रिजल्ट देखिए सरकार को दिख भी रहा है। चाहे बंगाल के चुनाव ले लीजिए, मुंह केवल सरकार के गई, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में इनको ये आईना दिख गया है। और अभी भी मैं ये कह रहा हूं कि अगर इनका कनेक्ट जनता से नहीं बनेगा तो 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है और 2024 भी बहुत दूर नहीं है। और अब जनता इतनी समझदार होगी, इस कोरोना काल में हर व्यक्ति ने 90% परिवारों की राजनीति पर भी हम आगे बढ़कर चर्चा करेंगे और हम जानने का भी आपसे प्रयास करेंगे कि आपको क्या लगता है कि आपके राजनीतिक समीकरण क्या कहते हैं। लेकिन उससे पहले मैं पंकज जी पर जाना चाहूंगी। पंकज जी, आपको क्या लगता है मोदी सरकार के 7 सालों में विकास दर कितनी आगे बढ़ी है? और जो नारा दे के लगातार चल रहे थे कि महंगाई की बहुत हुई मार अब की बार इनकी सरकार, उस पर कितनी खड़ी उतरी है? और क्या आप इन 7 साल के कार्यों से संतुष्ट हैं? देखिए, एक बात कीर्ति जी समझ लीजिए, भारत हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ और 73 वर्ष का अगर शासनकाल देख लीजिए तो उसमें 7 साल मोदी जी का, 2 साल इधर का, 7 साल पूरे हो रहे हैं और उसके बाद 60 साल कांग्रेस का शासन रहा। तो इसको अगर आप देख लीजिए तो 2014 से अगर आप देखिए तो मोदी जी ने जितने विकास के काम किए हैं, देखिए क्रिटिसाइज़ करना बहुत आसान है। इसके पूर्व में भी सरकारें रहीं, हम लोग भी कई दशकों से पत्रकारिता कर रहे हैं, कोई क्रिटिसाइज़ नहीं करता, किसी पर कोई उंगली नहीं उठाता, लेकिन जो काम करता है उसी के ऊपर टिप्पणी भी की जाती है। सबसे बड़ी बात ये समझ लीजिए, तो मोदी जी ने 2014 में बनने के बाद आम जनमानस से रिलेटेड बहुत से कार्य किए, जैसे कि अगर आप देख लीजिए शौचालय, पूरे गांव-गांव में शौचालय का इस्तेमाल किया और क्या बनवाया, और क्या नाम, दूसरी बात सबसे बड़ी बात है कि बिजली की व्यवस्था की, जिन गांवों में बिजली नहीं पहुंच चुकी थी, ये पूर्व की सरकारों का काम था, ये नहीं है कि उनका काम नहीं था, बिजली गांव-गांव में बिजली आनी चाहिए थी, उन्होंने 1000 दिन का समय लिया और उसमें जो बचे शौचालय, आप सुनिए पूरी पूरी बात, नहीं शौचालयों का क्या हाल है वो भी तो उस पर भी तो शौचालय देखिए सब गांव-गांव में सबके घर के बाहर बन चुके हैं, ऐसा नहीं है, उनको मेंटेन करना, उनको ठीक रखना उनका काम है, शौचालय सरकार ने बनवा के दे दिए, तो एक सरकार की सोच उजागर करता है। और उसके बाद अगर आप देखिए तो लोगों को आवास 1,30,000 रुपए आज क्या नाम है सभी लोगों को, जिनकी गांव में जमीन है उनको दिया जा रहा है, जिनका शहर में मकान है, जिनका जिनके पास आवास शहर में रहते नहीं है उनको दिया जा रहा है। तो सरकार ने कहीं ना कहीं इस तरह की चिंता किया, ये सरकार की सोच को उजागर करता है। अब रोजगार की बात आपका आइए तो 22.5 करोड़ लोगों को 10.5 लाख करोड़ का मुद्रा लोन दिया गया बिना कोलेट्रल पे। तो ये कहना कि नहीं सरकार ने कुछ नहीं किया, सरकार ने इस तरह की चीजें की, बहुत से कार्य ऐसे थे जो अटल जी के समय में लंबित पड़े हुए थे, उन जैसे कि आपका आसाम का पुल ले लीजिए, 5800 करोड़ का पुल था जिसकी कोई सुनवाई नहीं थी, वो दो राज्यों को कनेक्ट करता था, मोदी जी ने तय समय के अंदर उस पुल का निर्माण कराया जिससे अरुणाचल और आसाम की दूरी में बहुत कमी आ गई और लोगों का आवाजाही बढ़ी, लोगों के संसाधन बढ़े। अब सवाल ये इस बात पर आई है कि लोगों की मध्यम वर्गीय की आय, तो मध्यम वर्गीय लोगों की आय में इजाफा नहीं हुआ और इस कोरोना काल में सबसे ज़्यादा अगर मार पड़ी तो मध्यम वर्गीय लोगों को पड़ी। और अगर टैक्स की बात करिए, जनमानस के टैक्स की बात, जैसा कि अभी यशवर्धन जी कह रहे थे कि जनमानस के टैक्स सही होता है, तो जनमानस 1 से 1.5% लोग खाली इनकम टैक्स देते हैं, ज्यादातर लोग नील का रिटर्न भरते हैं, नील का रिटर्न मतलब कि उनकी आय जो सरकार के द्वारा तय प्रावधान है उसके नीचे रहती है, बहुत कम लोग हैं जो 1 से 1.5% खाली जो है टैक्स देते हैं, टैक्स देते नहीं है, ये आप समझ। लेकिन और दूसरी चीज आप देख लीजिए, हाउस टैक्स की बात करिए, लोग हाउस टैक्स नहीं देते, सरकार से सारी उपेक्षाएं करते हैं, सारी अपेक्षा करते हैं, हाउस टैक्स तक नहीं देते। आज लखनऊ में आज लखनऊ नगर निगम की बात करिए, एक मिनट, लखनऊ नगर निगम 1900 करोड़ का बजट है। आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी दर इस वक्त क्या चल रही है? बेरोजगारी दर देखिए, नहीं नहीं आप एक बात उस पर आप महामारी को सामने ले आए, आप ये कह दें एक बात समझिए, बेरोजगारी दर बढ़ी है, इसको कोई इनकार नहीं सकता, भारत बहुत बड़ी आबादी वाला राज्य है और यहाँ पर 28-30 साल से लेके 40 साल के उम्र के युवा लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है और ये समझ लीजिए शैक्षणिक बेरोजगार बहुत ज्यादा है, जिसलिए इसके लिए भी एक कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार को तयबद्ध समय में लोगों को रोजगार ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध कराना चाहिए। ये चीज नहीं हो पाई सरकारी सर्विस सालों में, सरकारी नौकरी गवर्नमेंट नहीं दे सकती है सबको, ये संभव नहीं है पूरे राज्यों में, लेकिन लेकिन सवाल ये है जो एग्जाम के रिजल्ट तक नहीं आउट हुए, नहीं वो ठीक है किन्हीं कारणों से नहीं हुए होंगे, उनको देना चाहिए रिजल्ट आने चाहिए,
चाहिए, लेकिन अगर आप ये बात कहिए कि नहीं सरकार ये प्राइवेट नौकरियों में भी जिस तरह से कोरोना काल में एक साल से कोरोना चल रहा है डेढ़ साल से, उससे प्राइवेट नौकरियों में लोगों को मध्यम वर्गीय लोगों को सर्वाधिक नुकसान हुआ, नौकरियां गई, उनके पास खाने के संसाधन नहीं रहे। सरकार ने अभी देखिए सरकार ने निचले वर्ग के लिए 1000 रुपए मासिक और राशन का इंतजाम किया, लेकिन मध्यम वर्ग के लिए कोई इंतजाम नहीं किया। तो सरकार को इस पर भी सोचना चाहिए, उनको भी हर महीने उनको भी इंतजाम करना चाहिए। झेलते हुए देखिए ये महामारी है, अभी अभी अगर महामारी, लेकिन हर समय महामारी की आड़ नहीं, महामारी की आड़ की बात नहीं, अभी देखिए अभी विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा था, इसराइल और क्या नाम हमास में युद्ध हो रहा था, फिलिस्तीन में दो अरब गल्फ कंट्री एक तरफ पड़ गए थे और अमेरिका उनकी तरफदारी कर रहा था, तो ये आप समझ लीजिए एक खतरा मंडराने से बच गया, नहीं विश्व दो भागों में बढ़ गया होता तो विश्व युद्ध की महामारी आती तो बहुत बड़ी महामारी आती। लेकिन कोविड ने हम लोगों को जागृत कर दिया, जो सापुर की जितनी सरकारें हैं, जब सरकारों ने कोविड-19 के चलते हम लोगों को जागृत करने का काम किया, क्योंकि देश में स्वास्थ्य सुविधाओं का बिल्कुल अभाव था और स्वास्थ्य सुविधाओं के ऊपर इस बजट में 238 करोड़ का बजट सरकार ने रखा कि जिस तरह से 141 गुना ज्यादा रखा कि जिससे पूरे राज्यों को एलोकेट किया कि पूरे राज्यों में स्वास्थ्य सुविधाओं का एकदम वो रहेगा, पूरा संसाधन रहेगा। लेकिन एक मिनट, लेकिन सवाल इस बात का है कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और युवा वर्ग को अगर आप आत्मनिर्भर बनाते हैं बहुत अच्छी बात है, कोई जरूरी नहीं है कि वो नौकरी करें, लेकिन लोग हंसी उड़ाने लगते हैं कि मोदी जी पकौड़ा तलने को कह रहे हैं, ये भी नहीं सोचना चाहिए। अगर आप बैंक से लोन लेके विदाउट कोलेट्रल आपको लोन मिल रहा है, आपको 8% पे अगर विदाउट कोलेट्रल लोन मिल रहा है, तो आप कारोबार करिए, आप उससे ज्यादा पैसा कमाएंगे। आप क्यों 10,000 की नौकरी प्राइवेट में करने को तैयार होते हैं और क्यों इस तरह की चीजें करने को तैयार होते हैं? आप हिम्मत करिए, उसमें चलाइए और उस तरह के संसाधन खड़े करिए। तो सरकार को इस ओर ध्यान देना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, स्वामी प्रसाद मौर्य श्रम मंत्रालय के मंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ ने ये काम किया और सबको रोजगार मंत्रालय के द्वारा सबको 2019 में रोजगार मेले लगा के प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में नौकरी देने का काम सरकार ने किया। लेकिन सरकारी नौकरियों के रिजल्ट नहीं आउट कर पा रहे हैं। नहीं, सरकारी नौकरियों के रिजल्ट किन्हीं कारणों से नहीं आ रहे हैं, कहीं जगह क्या नाम है बहुत से पेपर आउट हो जा रहे हैं, कहीं कुछ हो जा रहा है, कहीं कुछ हो जा रहा है, तो वो चीजें सरकार को करना चाहिए। लेकिन मध्यम वर्गी के लिए सरकार को विशेष फोकस करना होगा, ये लगातार बात की गई। पिछली बार का लॉकडाउन जो लगा उसको लेकर भी जिस तरह से मध्यम वर्ग ने मार झेली, उसके बाद अभी की परिस्थितियां लगातार कोरोना को लेकर चेताया जा रहा था। हालांकि दिलीप जी आप भी मानते हैं एक और जहां कोरोना है वहीं बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचार और कहीं ना कहीं जो जॉबलेस लोग है, इन सब बातों को दरकिनार करके सिर्फ कोरोना 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 का राग अलापा जा रहा है। किस हद तक ये चीजें सही है कि कोरोना की आड़ को लेकर हम कब तक इन चीजों से बचते रहेंगे? कीर्ति जी, सिवाय कोरोना के बाकी सारी चीजें पहले से एग्जिस्ट कर रही हैं। सिर्फ कोरोना जरूर इस 2 साल में नया आया है, बाकी चाहे बेरोजगारी है, चाहे भ्रष्टाचार है, चाहे लोगों की परेशानियां है, चाहे सुविधाओं की कमी है, ये सारी की सारी चीजें बहुत सालों से आजादी के बाद से इस देश में एग्जिस्ट कर रही हैं और उनका समाधान हुआ है। ऐसा नहीं है, जो लोग कहते हैं कि 70 साल में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं है, 70 सालों में डेवलपमेंट भी हुआ है और बहुत सारे डेवलपमेंट जो होते हैं वो टाइम बाउंड होते हैं, उसमें किसी का कंट्रीब्यूशन नहीं है। आज अगर हम इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बैठ करके डिबेट कर रहे हैं तो ये डिबेट टाइम बीइंग डेवलपमेंट है, इसको डेवलपमेंट नहीं कहा जाएगा। आज हम फिजिकली स्टूडियो में नहीं जा सकते हैं तो हमारी मजबूरी है कि हम यहाँ बैठ करके डिबेट करें। तो इस तरह के बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं जो टाइम बाउंड डेवलपमेंट होते हैं और वो होते ही होते हैं, वो किसी उसमें किसी का उसमें किसी सरकार को श्रेय नहीं जाता है, किसी व्यक्ति को श्रेय नहीं जाता है। इसी तरीके से पिछले सरकारों ने भी बहुत सारे डेवलपमेंट के काम किए हैं, मोदी जी ने बहुत सारे नए डिसीजंस लिए हैं। मैंने पहले भी अपने स्टेटमेंट में कहा था कि बहुत सारे डिसीजन जो देश हित में है, राष्ट्र हित में है, उन्होंने किए हैं। बहुत सारे ऐसे काम जो असंभव लगते थे वो मोदी सरकार ने किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी जो पंकज जी कह रहे थे कि 22 करोड़ लोगों को नौकरियां दी गई या मुद्रा लोन दिया है कोलेटरल फ्री, ये कागजी आंकड़े हैं पंकज जी, अगर आप इनको ऑथेंटिकली प्रूफ कर पाए तो मैं आपकी बात को मान जाऊं। कोई बैंक आपको कोलेटरल फ्री लोन नहीं देता है। दूसरा, अभी नगर निगम ने सब ठेले खुमचे वालों को लोन देने की शुरू किया, कहीं ये सब मुद्रा लोन पंकज जी, मैं एक लोन आप एक लोन नहीं दिलवा पाएंगे, एक लोन नहीं दिलवा पाएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं 10% दे रहा हूँ, करा के दिखा दीजिएगा, आप अपनी योजना बताइए, आप करा के दिखा दीजिएगा, मुझे कल मिला है, बिल्कुल मिला है, ग्राउंड लेवल पर सर्वे करिए, ग्राउंड लेवल पर सर्वे मिला है, बिल्कुल मिला है।
आपकी बात से हम संभव नहीं है। आपने जो ये बात किया कि मुद्रा लोन नहीं मिला की बर्बादी है, आपकी बात में दम नहीं। और मुद्रा लोन सब मिला, मुद्रा लोन बिना किसी प्रॉपर्टी के मॉर्गेज किए 8% दिलीप जी आप बोलिए। और दूसरा कीर्ति जी, जो अभी पंकज जी कह रहे थे कि मात्र 1.5% आदमी टैक्स दे रहा है, ये 1.5% नहीं है, ये 3.5% आदमी इंडिविजुअल कैपेसिटी में टैक्स देता है। उसके बाद जो कॉर्पोरेट हैं, फर्म्स हैं, एचयूएफ है, अदर एंटिटीज हैं, वो अलग हैं। ये डायरेक्ट टैक्स की बात हो गई। और इनडायरेक्ट टैक्स इस देश का 100% आदमी देता है, 100% आदमी इनडायरेक्ट टैक्स देता है और हाउस टैक्स भी देता है। ऐसा कहां हो रहा है कि हाउस टैक्स नहीं दे रहा है आदमी? और नहीं दे रहा है तो सरकार वसूले उसको? सरकार के पास पावर है या जनता की मर्जी थोड़ी है कि मैं हाउस टैक्स दूंगा या नहीं दूंगा? नहीं दे रहा हूं तो सरकार वसूले? नहीं, जो नहीं दे रहा है उससे नहीं ले पा रहे, जो दे रहा है उसके ऊपर कार्रवाई कर दे रहे हैं। तो टैक्सेशन की कहीं कोई कमी नहीं है। सरकार के खजाने में जितना भी पैसा है, सरकार जितनी भी योजनाएं लेकर आ रही है वो टैक्स पेयर के पैसे से ही लेकर के आ रही है। और सरकार के पास पैसा कहां से आता है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के अलावा सरकार की दूसरी कमाई क्या है? कोई कमाई नहीं है। हम ही से पैसा लेती है और हमारे ऊपर खर्चा करती है और भरपूर टैक्स जा रहा है। सरकार के खजाने में कोई कमी नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से पेट्रोलियम पर भी 7 साल में 459 का राजस्व कमाया गया है, मैं ये भी बता दूं। और साथ ही साथ जो बात लगातार पंकज जी आप कर रहे हैं कि जो नौकरियां और बेरोजगारी दर है, वो भी मैं आपको बता दूं कि मई में 1 करोड़ लोगों की नौकरी जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। साथ ही साथ CMIF का डाटा मेरे पास है, उसमें अप्रैल के महीने में 7,02 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपनी नौकरियां गंवाई हैं। उसके साथ ही MSME सेक्टर्स की अगर आप बात करें तो आप उसके भी हालात बहुत अच्छे से जान रहे हैं। जब पिछली बार लॉकडाउन लगा था तब भी MSME सेक्टर्स में काफी ज्यादा लोगों के दुकानों में ताले लग गए, उनके बिजनेस बंद हो गए या बिजनेस बंद होने की कगार पर आ गए थे, और इस वक्त भी वही हालात है। लेकिन पिछली बार इस समय तक जो दरकार थी कि हाँ राहत पैकेज आया था, लेकिन इस बार वो भी राहत पैकेज इस वक्त तक सामने नहीं आया है। देखिए बिल्कुल ये आप सही कह रहे हैं, मध्यम वर्गीय के लिए कोई पैकेज नहीं रहता, कोई सरकार रहे। मध्यम वर्गीय लोगों के लिए कोई सरकार कोई पैकेज नहीं देती है, या निचले वर्ग के लिए तो बहुत सी चीज़ें दी जाती हैं। मध्यम वर्ग की आज नौकरी गई। मध्यम वर्ग एक बहुत बड़ा तबका है जो हर समय सरकार की ओर टकटकी लगा के देखता है। आज उसके साथ में तमाम जगह लोग नौकरी कर रहे हैं, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही, लॉकडाउन में सब कुछ बंद है, वो लोग घर में बैठे हुए हैं। लेकिन उनके मालिक जो प्राइवेट में नौकरी कर रहे हैं, उनके मालिक उनको पैसा नहीं देने को तैयार है। लोग अगर जाके अपने मालिक से फ़ोन पर भी बात करते हैं तो वो यही कहते हैं कि अभी तो सब बंद है, मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना मध्यम वर्गीय वर्ग के साथ है। उसको अपने घर का खर्चा चलाना है, उसको अपने बच्चे की फीस देना है, तो सरकार को मध्यम वर्ग के लिए भी सोचना पड़ेगा और मध्यम वर्ग के लोगों को भी कोई पैकेज का ऐलान करना पड़ेगा। उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन कराइए। तमाम जिस तरह से आप आज 1,000 रुपये महीना और राशन 4 महीने राशन फ्री की व्यवस्था कर रहे हैं लोअर लेवल के लिए, तो उसी तरह से मध्यम वर्गीय लोगों के लिए भी सरकार अगर कृत संकल्प है सभी वर्ग के लोगों के लिए, तो मध्यम वर्ग के लोगों को भी सरकार को विशेष ध्यान देना पड़ेगा, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो। बिल्कुल, ये निश्चित रूप से देखना पड़ेगा। लेकिन हम 7 सालों की बात कर रहे हैं, दिलीप जी आपको क्या लगता है इन 7 सालों में कई ऐसे फैसले मोदी सरकार के द्वारा लिए गए, चाहे वो आर्टिकल 370 हटाने की बात हो, CAA लाने की बात हो, या फिर हम बात कर रहे हैं राम मंदिर की, 3 तलाक कानून लाने की, तो आपको क्या लगता है सबसे बड़ी उपलब्धि किस तौर पर मोदी सरकार अपने कार्यकाल में देख सकती है कि सबसे बड़ी? क्योंकि हमने जो सर्वे किया और हमने जितना जाना उसमें आर्टिकल 370 को सबसे ज्यादा मान्यता दी गई, सबसे ज्यादा लोगों ने कहा कि आर्टिकल 370 जो था वो सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर लोग देखते हैं इस टाइम पे, आपको क्या लगता है? कीर्ति जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं और मैं एक अलग तरीके से आपकी बात का जवाब दूंगा। मैं बात शुरू करूंगा एक आदमी के बेसिक रिक्वायरमेंट की। किसी भी व्यक्ति की, किसी भी ह्यूमन बीइंग की सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होती है रोटी, कपड़ा और मकान जी। और जो उसको बेसिक संसाधन सरकार की तरफ से मुहैया होने चाहिए वो सारी चीजें। अगर आज मुझे रोटी, कपड़ा और मकान की सुविधा है तो मैं सुखी इंसान हूं। और इसके बाद मैं आता हूं इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पे कि मेरा मकान बड़ा होना चाहिए, मैं बड़े शहर में रह लूं, मैं बड़ी सुविधाओं के साथ रह लूं, और ये सारी चीजें हैं। तो आज अगर आदमी को बेसिक रिक्वायरमेंट में कमी है तो सरकार के कोई भी बड़े फैसले हों उनको अच्छा नहीं कहा जाएगा। अगर मैं दूसरी दृष्टि से बात करूं तो नो डाउट कि जो 370 का फैसला है वो बहुत बड़ा फैसला था, रिमार्केबल फैसला था, और मोदी जी के अलावा मुझे लगता है शायद कोई भी गवर्नमेंट होती तो ये फैसला नहीं ले पाती। जिस तरीके से उस फैसले को लेने में लीगल अड़चने नहीं थी, एक छोटा सा इंटरप्रिटेशन था, वो इंटरप्रिटेशन बाकी सरकारें नहीं कर रही थी, या तो जानबूझ के नहीं कर रही थी या राजनीतिक हित में नहीं कर रही थी, राजनीतिक फायदे के लिए नहीं कर रही थी, जो भी रीजन हो, बट मोदी गवर्नमेंट ने वो फैसला लिया, इसके लिए पूरी तरीके से सराहना है उनकी जी।
राम मंदिर का विवाद जो कम्युनिटल राइट का एक बहुत बड़ा जड़ बना हुआ था इस देश में, वो खत्म हो गया, ये बहुत बड़ी सराहना है। अब और जैसे नोटबंदी का डिसीजन था या जो जीएसटी को लेकर के डिसीजन था, नोटबंदी की बात चलिए जाने दीजिए, बहुत पुरानी बात होगी उस पर बात नहीं करता हूं, लेकिन जो जीएसटी है, जीएसटी को अगर मैं लीगल रिफॉर्म की नजर से देखूं तो ये एक बहुत बड़ा और बहुत सराहनीय डिसीजन था, और मैं अभी भी कहता हूं कि एज अ लॉ जीएसटी इज द बेस्ट ऑप्शन। जीएसटी देश के लिए, देशवासियों के लिए, व्यापारियों के लिए, कंज्यूमर के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा लॉ है, लेकिन जीएसटी का जिस तरीके से इंप्लीमेंटेशन किया गया उसको बेकार कर दिया गया। आज जीएसटी में इतने अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, इतने चेंजेस हो चुके हैं कि मैं गारंटी करता हूं कि खुद फाइनेंस मिनिस्टर को नहीं पता होगा कि कितने चेंजेस कर दिए गए हैं, और इतना ज्यादा उलझा दिया गया है कि अब वो व्यापारियों के गले की हड्डी बन गया है। जीएसटी लॉ बहुत अच्छा है लेकिन प्रोसीजरल इंप्लीमेंटेशन इतना बेकार है, और इतने चेंजेस होते हैं, ओवरनाइट चेंजेस होते हैं जो किसी भी व्यक्ति के लिए कंप्लाई कर पाना संभव नहीं है। आप व्यापारियों को व्यापार करने दीजिए, व्यापारियों को अगर आप लीगल कंप्लायंसेस में उलझाए रखेंगे तो वो व्यापार करेगा कि लीगल कंप्लायंस करेगा। दूसरी बात, छोटा व्यापारी बड़ा व्यापारी सबके लिए एक ही जैसा नियम बना दिया आपने, कहीं कोई रिलैक्सेशन नहीं। एक बड़ी इंडस्ट्री है, उसके पास बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके पास मैन पावर ज्यादा है। एक छोटा दुकानदार है, उसके पास ना मैन पावर है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना चीजें हैं, ना लाइट है, ना इंटरनेट है, तो वो कैसे कंप्लायंस करेगा? तो जीएसटी के इंप्लीमेंटेशन में बहुत सारी कमियां थी। बाकी सरकार ने लीगल चीजों को लेकर के बहुत सारे इनकम टैक्स लॉज में बहुत सारे ऐसे चेंजेस किए हैं जिससे करप्शन पे कर्व लगेगा। कंपनी लॉ में बहुत सारे ऐसे चेंजेस किए हैं जिससे करप्शन पे कर्व लगेगा, लगा है। प्रॉपर्टी मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीजें, ऐसे लॉ में चेंजेस आए जिसकी वजह से दो नंबर का पैसा जो प्रॉपर्टी मार्केट में रियल एस्टेट में रूट करता था वो रुका है। जी दिलीप जी, बिल्कुल। तो बहुत सारे ऐसी चीजें ऐसी हैं, लेकिन अगर हम मोदी गवर्नमेंट जी, अगर हम नाकामी की ओर लेकिन अगर बढ़ते हैं, और हमने जब लोगों से जानना चाहा तो उन्होंने कोरोना काल में जिस तरह से लोगों ने दर दर भटके हैं लोग, और कहीं ना कहीं खुद बीजेपी सरकार के नेता इस महामारी के दौर में परेशान रहे हैं, तो लोग इसे काफी ज्यादा नाकामी जो है वो नरेंद्र मोदी सरकार की मान रहे हैं। तो पंकज जी, आपको क्या लगता है, जो कोरोना काल में स्थिति देखी, और ऐसा नहीं था जब पहला लॉकडाउन लगा तो लोगों ने सराहना की जब पहला दौर आया था कोरोना का, और वहीं दूसरी लहर में जिस तरह से चेताया जा रहा था, ऐसा नहीं था कि हम संतुष्ट होकर बैठ गए थे। पहले में आपने लॉकडाउन लगा लिया क्योंकि आपको तैयारियां करती थी, आपको पता नहीं था इस महामारी के बारे में, हर चीज हम समझ रहे थे, लेकिन दूसरी लहर के बारे में भी तो लगातार चेताया जा रहा था, तो उसकी तैयारियां पहले क्यों नहीं? देखिए, पहला दौर जो आया उसके बाद सरकार के पास कोई संसाधन नहीं थे, कुछ नहीं थे, और उसके बाद सरकार ने पीपीई किट और तमाम चीजों का इंतजाम किया, तमाम चीजों का व्यवस्था किया, और सरकार ने सब चीजों का इंतजाम किया जी। उसके बाद दूसरी लहर जो है इतनी ज्यादा कड़ी आ गई कि दूसरी लहर से कितने भी इंतजाम, सारे इंतजाम ध्वस्त हो गए। मतलब जितने संसाधन अस्पताल के थे, जितने संसाधन इसके आपके प्रोडक्शन थे, ऑक्सीजन के थे, जितने भी थे, सब ध्वस्त हो गए। लेकिन सरकार ने उसको प्रयास करते हुए बहुत जल्दी उस पर काबू पाने का काम किया, और पीएम केयर फंड से तमाम जगह पे 551 वो लगाने, ऑक्सीजन प्लांट पूरे देश में लगाने की बात हुई कि पूरे देश में हर जिले में ऑक्सीजन प्लांट रहेगा। अब तो 1551 पूरे देश में ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था हो गई, हर डीआरडीओ ने, रक्षा मंत्रालय ने। पंकज जी, इससे नाकामी देख रहा है, जिस तरह से परिस्थितियों को नहीं संभाल पाए। ठीक है, नहीं देखिए परिस्थिति, देखिए कोई एक बात समझ लीजिए, अगर आपके घर में कोई इस तरह का चीजें हो जाए, आप दूरदर्शिता, हर आदमी देखिए टिप्पणी करना आसान है, लेकिन जिस तरह से सरकार ने इस पे काबू पाया बढ़ती हुई जनसंख्या और बड़ी विभत्स आबादी को देखने के बाद, तो इसके बाद उस पे काबू पाया, तो ये सराहनीय है। नहीं बिल्कुल सराहनीय, मैंने बोला सराहनीय, इस पे ये कहना लॉकडाउन लगाया ये बिल्कुल अच्छा, ये सराहनीय, इसको सराहनीय, और इसपे क्या नाम है, सरकार ने इस तरह की चीजें किया, ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है कि इसको शीघ्र जल्दी से जल्दी देखिए सबके जल्दी कंट्रोल कर लिया। लगातार ये बोला जा रहा था कि ऑक्सीजन की किल्लत हो सकती है, हम दूसरे देशों को देखकर भी नहीं सीख पा रहे थे, उसके बाद इस तरह की, जिस तरह का हिंदुस्तान देखिए, हिंदुस्तान की तरफ कोरोना बढ़ा है आप वो भी देख रहे हैं, वहां पर भी बीएससी सीएससी की हालत किस कदर ध्वस्त हुई पड़ी है वो भी आप जानते हैं, तो वो क्यों नहीं सही की गई? हिंदुस्तान बहुत बड़ी आबादी वाला देश है, और 50 मुल्कों की आबादी हिंदुस्तान की आबादी में समा जाएगी, इतनी बड़ी आबादी वाला देश है, इतनी बड़ी आबादी में सबको संभालना, सबको करना, लेकिन प्रबंधन के मामले में अगर देखा जाए तो सरकार ने इस पर कंट्रोल किया, और इस पे फुल प्रूफ तरीके से ऑक्सीजन की व्यवस्था की, फॉरेन तक से ऑक्सीजन आई, और इंडिया में क्या नाम, तमाम रिफाइनरीज से, तमाम जगहों से ऑक्सीजन के पूरे के पूरे ट्रक के ट्रक, ट्रेन के द्वारा, सबके द्वारा इसको मंगाया गया और इसका इंतजाम कराया गया। ठीक है, जनमानस बहुत ज़्यादा है, अब आपके घर में अगर
दस लोग आ जाएं और अचानक दस लोग रहें और आपके घर में अचानक नहीं सवा साल नहीं, नहीं। सवा साल मिल गया आप ये आप तो समझिए अचानक जनवरी, आया था नहीं, वो नहीं, जनवरी देखिए जनवरी में कोरोना का ग्राफ एकदम नीचे चला गया था और जनमानस ने उदासीनता कर दी थी और जनमानस और सरकार भी इस तरह का वेरिएंट समझ रही थी कि इस तरह का वेरिएंट नहीं आएगा, लेकिन अचानक से इतना ज्यादा हाहाकार मचा कि सबको सबको जो है सबको परेशान करके रख दिया। तो ये भी आप समझ लीजिए जिस तरह की स्थिति भयावह स्थिति रही उसको कंट्रोल करने में सरकार को कुछ अड़चने जरूर आई, लेकिन उसके बाद सरकार ने इस पर कंट्रोल कर लिया, इसको नाकामी आप नहीं कह सकते। देखिए उंगली उठाना तो अलग बात है और कुछ लोग सोशल मीडिया पे 2015-16 के क्या नाम है अखबारों को कटिंग दिखा के अखबारों की न्यूज दिखा के सोशल मीडिया पे उसको वायरल करते रहे कि इतनी मौतें हो गई, 200 लोग वहां लाशें पाए जा रही जब उसका पोस्टमार्टम हुआ उस न्यूज का तो सारी चीजें सामने आ गई कि ये 2015 का सच बयां कर रहे बहुत सी चीज नहीं बहुत सी चीजें पुराने भी चीजों को सोशल मीडिया पे वायरल किया गया क्योंकि सोशल मीडिया की जवाबदेही नहीं है, उस पर पता नहीं लगता कौन क्या बोल रहा है। क्या लगता है आपको इसलिए ऐसा हुआ? सरकार सवा साल मिले थे सरकार को और सवा साल बीते सवा साल हालांकि हम सब मान रहे हैं कि काफी ज्यादा परेशानियों भरे रहे और चिंताजनक रहे, जिस तरह से हमने लगातार लहर देखी कोरोना की, लेकिन चेताया तो लगातार जा रहा था ना, समय तो मिल गया था दूसरी लहर के लिए, तो उस समय प्रतिबंध क्यों नहीं किया गया कोरोना को लेकर, अब तो तीसरी लहर को भी लेकर चेताया जा रहा है। कीर्ति जी मैं इस बात का समर्थन करता हूं और मैंने पहले स्टेटमेंट में भी कहा था कि जिस तरीके से एकदम से चीजों की क्राइसिस आई, ऑक्सीजन की, बेड्स की, सारी चीजों की, वो कोई भी सरकार होती उसका मैनेजमेंट डिस्टर्ब हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इस बात को मानता हूं कि एकदम से सारी चीजों को मैनेज कर पाना नहीं संभव है, लेकिन इन कमियों को ना मानना ये सबसे बड़ी गलत चीज है और समाज के खिलाफ है। आप कह रहे हैं कहीं कोई मौत नहीं हुई 2015-16 का दिखाया गया, अरे साहब मौतों को हमने प्रत्यक्ष देखा है, अपनी आंखों से देखा है, अपने लोगों को मरते देखा है, 200-400 आदमी हमारे जानने वाले मर गए और हम ये नकार दें कि कोई मरा ही नहीं है, शमशान घाट में लाइनें लगी पड़ी हैं, लाशें नहीं जा पा रही, आप कह रहे हैं कोई मरा ही नहीं है, बाहर दुनिया भर की भीड़ लगी, आप कह रहे हैं कोई मरा ही नहीं है, तो ये बात हम कह सकते हैं मरा तो है, और आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कहीं कोई मौत ही नहीं हुई है। देखिए कीर्ति जी जनसंख्या का हवाला दे करके जो जनसंख्या को गाली दे रहे हैं, जनसंख्या को गाली वो लोग दे रहे हैं जिनके अपने घर में कोई मौत नहीं हुई, आज भी मृत्यु दर अपने घर में कोई मौत नहीं हुई, जनसंख्या का हवाला दे करके आज भी मृत्यु दर मौतें हुई है, आप देखिए इलेक्शन इलेक्शन ड्यूटी में 1600 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और सरकार कह रही है सिर्फ 3 लोग मरे हैं, वो चुनाव आयोग लोग मरे हैं, जो एक एक डिपार्टमेंट के 8-10 आदमी मर गए हैं, सरकार कह रही 3 लोग मरे हैं, आप कह रहे मौत ही नहीं है, सरकारी आंकड़ों को मत समझिए। पंकज जी आप पत्रकार हैं, बहुत सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं, आपको भी पता है कि सरकारी आंकड़े कैसे दिखाए जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, आप पत्रकार आप सरकार के पत्रकार नहीं है, आप इंडिपेंडेंट पत्रकार हैं, आप जनता के हित में बात करिए, जो सही है वो सही है, कि 16 से मरते हुए नहीं नहीं 16 से कह सकते कि मौतें नहीं हुई, मौतें हुई हैं, जिस तरह का मिस मैनेजमेंट रहा है इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये संघ पंकज जी और दिलीप जी माध्यमिक शिक्षक संघ ने उसकी उसकी उनको वो दे रही है लिस्ट दे रहे हैं कि इन इन लोगों की मौत हुई इनको आप मुआवजा दीजिए, तो माध्यमिक शिक्षक संघ ने उनको उनको लिस्ट भी जारी की है, वो माध्यमिक शिक्षा और बेसिक शिक्षा में बांट दीजिए। अरे साहब जिसके घर का आदमी मर गया ना वो तो गया, लिस्ट 100% नुकसान हो गया, सरकार कहे कि 1% 2% आदमी मरा उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी लिस्ट उनका संघ दे रहा सरकार और कीर्ति जी को लिस्ट दे रहा है आपके इतने लोगों की मौतों के आंकड़े, सरकार के आंकड़ों को लोग नहीं मान रहे, सरकार के आंकड़ों को कोई नहीं मान रहा, रोना दर्शा रहे हैं और वो तमाम तस्वीरें दर्शा रही हैं, मौतों की आंकड़े दिखाने की जरूरत ही नहीं है, लोगों से जाके बात कर लीजिए, उनके रोने की आवाजें शायद तक जिसके घर का आदमी चला गया उसको उसकी किस हद तक इस वक्त मौतों के आंकड़े क्या है, जिसके घर का आदमी चला गया उसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती, ये निश्चित समझ लीजिए। कीर्ति जी मैं एक बात और कहना चाह रहा हूं कि बहुत सारे लोग इस बात की दुहाई दे रहे हैं कि साहब जनसंख्या ज्यादा है इसलिए ये हो गया, तो ये जनसंख्या 3 महीने में ज्यादा नहीं हो गई है, इस देश की जनसंख्या पिछले 70 सालों से बढ़ ही रही है, ये किसी के ऐसा नहीं कोई नई एकदम से जनसंख्या पैदा हो गई है। दूसरा जनसंख्या की दुहाई देकर के कमियों का हवाला वो लोग दे रहे हैं जिनके अपने परिवार में कोई नहीं मरा है, जिसके परिवार में 10 लोग थे, एक आदमी भी मर गया तो उसके लिए क्षति हुई है,
उसके लिए जनसंख्या ज्यादा नहीं है, ये बहुत बड़ी सामाजिक गाली है जो लोग दे रहे हैं। बिल्कुल, चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। और आपको क्या लगता है वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार किस हद तक आगे बढ़ी है और किस हद तक का काम उनका आपको दिलीप जी कैसा लगा कि जिस तरह से वैक्सीन को लेकर बताया जा रहा था कि अब वैक्सीन को लेकर कि हर घर घर तक वैक्सीन पहुंचनी चाहिए और दिसंबर तक का लक्ष्य डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी कह दिया है कि दिसंबर तक सभी को वैक्सीन देने की ये हमारी जद्दोजहद रहेगी, तो क्या लगता है आपको? देखिए, वैक्सीन एक नेसेसिटी है, सबको दी जानी चाहिए और सरकार इस पर कार्यरत है। मैं इस पर कोई क्रिटिसिज्म नहीं करूंगा, जो सरकार काम अच्छा कर रही है उसकी मैं तारीफ करता हूं, लगातार करता हूं, और जो खराब करती है मैं उसको भी क्रिटिसाइज पूरी तरीके से करता हूं। मैं न सरकार का आदमी हूं, ना मैं किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हूं, मैं समाज हित की बात करता हूं, मैं समाज का व्यक्ति हूं और समाज के नजरिए से बात करता हूं। वैक्सीन को लेकर के राजनीति बहुत बार हुई है, विपक्ष ने लोगों को भड़काने की कोशिश करी है। गांव में अभी भी लोग कहते हैं कि हम मर जाएंगे, वैक्सीन नहीं लगाएंगे। अरे भैया, अगर मरना ही है तो वैक्सीन लगवा के मर लो, क्यों बिना वैक्सीन के मरना, वैक्सीन से बचने के चांसेस हैं। या जब पहली लहर के बाद वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ तो बहुत सारे लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं कराया, बहुत सारी वैक्सीन खराब हो गई, एक्सपायर हो गई। तो यहां पर मैं जनता से भी ये अपील करूंगा कि वैक्सीनेशन एक बेहतर ऑप्शन है, दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास, तो वैक्सीनेशन ड्राइव में सरकार को भी ईमानदारी से काम करना चाहिए। ये भी तो दिक्कत रही ना कि सीरम इंस्टीट्यूट में आप नवंबर में आपको ये बता दिया जाता है सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा कि वैक्सीन बन गई है और उसको आप 3 जनवरी को अप्रूवल साइन करवाते हैं, फिर आप उसको 16 जनवरी को पहली डोज देते हैं और 13 जनवरी को आप ऑर्डर पास करते हैं, तो ये जो इतनी गैपिंग क्यों, मतलब अगर ये गैपिंग भी भर दी जाती और जिस तरह से आज लोग अभाव में हैं, जो लोग वैक्सीन लगवाना चाहते हैं उन्हें वैक्सीन मिल नहीं पा रही है, सच्चाई ये भी तो है। ये सही है कि आज वैक्सीनेशन का जो ड्यूरेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। पहले 15-20 दिन 28 दिन था, वो 3 महीना तक कर दिया गया है। मैंने खुद वैक्सीन लगाई है, मुझे भी जुलाई की डेट मिली है, मैंने मई के स्टार्टिंग में लगाई, अब नेक्स्ट डोज मुझे जुलाई में मिली है। तो इस तरह की डेट्स एक्सटेंड होती जा रही है, उसका कारण ये है कि वैक्सीनेशन की कमी है। वैक्सीनेशन पर सरकार को पूरा ध्यान, इस समय पूरी की पूरी फोर्स, जितना भी एडिशनल फंड है, मेडिकल का फंड है, चाहे वो प्राइम प्रधानमंत्री वाला फंड है, जो भी फंड है, इस समय पूरा का पूरा फंड मेडिकल एमरजेंसीज के ऊपर, उसमें भी प्रायोरिटी वैक्सीन को दे देनी चाहिए। वैक्सीनेशन लग जाए, बहुत जगह ऐसे भी देखने में आया है कि वैक्सीन नहीं लगी और लोगों के मोबाइल पे मैसेज पहुंच गया कि सक्सेसफुली वैक्सीनेटेड और सर्टिफिकेट भी पहुंच गया। ये जो कहा जा रहा था कि ऐसा भी इंसिडेंस आया है, तो ये जो सरकारी आंकड़े हैं, यहां पर मैं मोदी जी की कमी नहीं कहूंगा, ये जो सरकारी मशीनरी है वो कहीं खेल करती है, लेकिन इसको देखना दवाओं की कालाबाजारी हो, चाहे फिर वो कोरोना में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों की कालाबाजारी हो, या अधिकारियों से निर्देश लेकर जो वैक्सीन, माफ कीजिएगा, जो दवाई प्रोवाइड करवाई जा रही है वो भी एक बड़ी नाकामी है कि अधिकारी आज के टाइम पर अगर आपको ब्लैक फंगस हो जाता है तो आपको अधिकारियों से जाकर इजाजत लेनी पड़ेगी कि आपको वो डोज मिल जाए, तो ये भी बड़ी नाकामी है कि आप अधिकारी डॉक्टर्स से नहीं, आपको अधिकारियों से लेना पड़ेगी इजाजत। तो इस पॉइंट पर तो जी कीर्ति जी, मैंने पहले भी कहा था कि सरकार की जो डिसीजन मेकिंग पावर है और जो प्रोसेस इन्होंने कर रखा था इस कोरोना काल में, चाहे वो ऑक्सीजन को लेने को लेकर के हो, चाहे वो रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेने को लेकर के हो, चाहे अब जो ब्लैक फंगस के लिए उन्होंने दवाई का प्रोसेस बनाया है, इतने प्रोसेस को पार करते करते आदमी मर जा रहा है, जो सोचने वाली बात है कि अगर मुझे ब्लैक फंगस नहीं होगा तो मैं दवाई क्यों लेने जाऊंगा। बिल्कुल, और अगर मैं काला बाजारी के इरादे से लेने जा रहा हूँ तो ये चेक करना आपके काम, आपकी कमी आपके पास है, आपके पास मशीनरी है, आप इसको मॉनिटर कर लीजिए, वो आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपने जनता के लिए टाइम बढ़ा दिया। 7 सालों में बहुत कुछ सरकार ने खोया है और बहुत कुछ पाया भी है, इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे तो लंबा वक्त गुजरता जाएगा, लेकिन पंकज जी आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा नाराजगी केंद्र सरकार को जो कोरोना के दौर में झेलनी पड़ रही है, जिस तरह से दूसरी लहर आई उसके बाद लगातार आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है, विपक्षी पार्टियां भी घेर रही है, यूपी में चुनाव है 7 महीने बाद, तो कितना आपको लग रहा है कि सरकार के लिए खतरे की घंटी हो सकती है, बीजेपी सरकार के लिए इस कोरोना काल में कितने खतरा बना हुआ है नाकामी को लेकर, जो लगातार जनता भी नाराज है? देखिए, हम लोग सामाजिक व्यक्ति हैं, पत्रकार हैं, तो हम लोगों ने बहुत लोगों को ऐसा देखा, हम लोगों के भी बहुत पत्रकारों की डेथ हुई और उनके परिवार के परिजन गए, चाहे बनारस में हो चाहे लखनऊ में हो,
पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत से पत्रकार मित्र हमारे कालकल्पित हुए, तो ये जो क्षतिपूर्ति हो गई ये वापस नहीं लौट सकती और ये एक बहुत बड़ी महामारी रही और इसमें सरकार ने कंट्रोल किया ये कहना नाकामी कि सरकार ने कंट्रोल नहीं किया। सरकार ने जितने संसाधन थे, जिस तरह की व्यवस्थाएं थी और जिस तरह से अचानक ग्राफ बढ़ा तो सरकार ने उस पर लागू लगाने का काम किया। और सुनिए, जिस तरह से वैक्सीन को लोगों ने बर्बाद किया, करीब 40 से 50 लाख वैक्सीन बर्बाद हो गई, समय की कमी है तो बर्बाद हो गई। इस तरह पर हम चर्चा कर ले कि आगामी चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में, देखिए उत्तर प्रदेश का चुनाव आगामी 7 महीने में उत्तर प्रदेश में चुनाव आसन्न है और अभी जिस तरह से वहां निकाय चुनाव हुए, पंचायत के चुनाव हुए और ग्राम सभा और पंचायत के हुए और आगे अभी उसी पंचायत चुनाव के ऊपर उत्तर प्रदेश में 36 एमएलसी के चुनाव भी होंगे, विधान परिषद के 36 एमएलसी के भी चुनाव उसी पर निर्भर है जो इसी साल आसन्न है। और दूसरा ये देखिए कि आगे 7 महीने बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा का भी चुनाव है और उसके बाद 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा। खतरे की घंटी है, 2024 में लोकसभा का भी चुनाव हो तो उत्तर प्रदेश भाजपा के लिए एक उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है क्योंकि 80 सीटें यहां से लोकसभा की आती हैं तो ये उनके ये उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि देखिए अभी बंगाल की बात हो रही थी तो बंगाल में जिस तरह की स्थिति रही, बंगाल में 2-3 सीटों से 77 सीटें बीजेपी लेके वहां आई जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। ठीक है पंकज जी, मेरे पास समय की थोड़ी कमी है तो मैं दिलीप जी से लास्ट कमेंट लेना चाहूंगी। प्रबंधन किया दिलीप जी लगातार, ठीक है पंकज जी, 30 सेकंड लूंगा आपके इस समय बस। खाली ये देखिए अभी जिस तरह से ये बात छन के आ रही है मीडिया के हवाले में कि बीजेपी के सूत्रों से कि केशव प्रसाद मौर्य जो भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम है उनको उत्तर प्रदेश का पार्टी का कमान दी जा रही है और अरविंद शर्मा जी को डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है जो गुजरात कैडर में आईएएस थे और मऊ के निवासी हैं उत्तर प्रदेश के। तो ये सब चेंजेस भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि किसी तरह से 2022 का चुनाव में वो विजयश्री प्राप्त करे। दिलीप जी आपके राजनीतिक समीकरण क्या कहते हैं, लगा अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए, इसके बाद कई जगह सत्ता में काबिज होने का सपना भी टूटा, उसके साथ ही कई दलों ने उनका उनसे सहयोग भी तोड़ लिया, तो इन सब के बीच अब उत्तर प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं 7 महीने के बाद। कोरोना महामारी से तो जूझ ही रहे हैं लेकिन आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ रहा है, क्या लगता है आपको, एक कमेंट थोड़ा जल्दी। कीर्ति जी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सालों के बाद ऐसी कोई परेशानी आई है जिसको हर व्यक्ति ने व्यक्तिगत रूप से झेला है। अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी जो हम मीडिया के माध्यम से जान ले लेते थे, समाचारों में सुन लेते थे लेकिन हम उसको नहीं झेलते थे तो हम बहुत ज़्यादा उससे संबंध नहीं बना पाते थे, लेकिन ये ऐसी परेशानी है जहाँ पर हर व्यक्ति ने देखा है, सरकार की कमियों को देखा है, जो मेडिकल सुविधाओं की कमी रही है उसको भी देखा है, अपने परिवार का नुकसान भी किया है। तो मैं एक गारंटी से कह सकता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने जनहित में और जनता से कनेक्ट नहीं बनाया, डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाए तो 2022 में इनके लिए सत्ता पे काबू होना मुश्किल हो जाएगा। एक और क्या मोदी की जो लोकप्रियता है वो कहीं से भी कम पड़ी है आपको लगता है? देखिए ऐसा है कि लोकप्रियता तब तक काम आती है जब तक मैं नहीं झेलता हूँ, जिसको मैं व्यक्तिगत रूप से झेल लूंगा और उसके बाद सरकार मेरी परेशानियों को सिरे से नकार देगी कि नहीं ये झूठ बोल रहे हैं, तो चाहे जितनी लोकप्रियता हो चाहे जो हो जाए मैं कनेक्ट नहीं बना पाऊंगा। ये जनता की आवाज, ये जनता की बात मैं आपको बता रहा हूं, जो बीजेपी का हार्डकोर वोटर है वो ये बात कह रहा है कि मेरी परेशानियों को अगर सरकार सिरे से नकार दे रही कि ऐसा हुआ ही नहीं, वो 2 संवेदनशीलता के शब्द बोल दे कि हाँ भाई ऐसा हुआ, हमें पूरी संवेदनाएं हैं, सरकार ने सिरे से नकार कर दिया कि नहीं कोई मरा ही नहीं, कहीं कोरोना हुआ नहीं है, ऑक्सीजन की कमी हुई नहीं है और मेरा तो आदमी मर गया, मेरे परिवार के परिवार साफ हो गए तो मैं कैसे कनेक्ट बना लूंगा, मैं मोदी जी की योगी जी की लोकप्रियता पे वोट थोड़े ना देने जाऊंगा, मैंने अपनी सुविधाओं के लिए वोट दिया था, किसी की लोकप्रियता पे वोट नहीं दिया था मुझे। अगर मेरे आप बताइए कि मैं मिडिल क्लास आदमी हूं, मैं 100% टैक्स दे रहा हूं लेकिन मुझे 0% संसाधन मिल रहा है, जो नीचे का तबका है वो 0% टैक्स दे रहा है और 100% संसाधन ले रहा है, तो मैं कैसे कनेक्ट बना लूंगा। तो मोदी योगी सरकार के लिए 2022 में ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि अगर ये जनता के दिलों को नहीं जीत पाए तो 2022 का रण इनके लिए बहुत टफ है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप जी और पंकज जी हमारे साथ इस बड़ी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जो नारा शुरू हुआ था अच्छे दिन से वो आत्मनिर्भर पर आकर टिका हुआ है और लगातार जिस तरह से कोरोना काल में हमने उतार चढ़ाव देके चुनौतियों का सरकार ने सामना किया, उस बीच नरेंद्र मोदी सरकार के 7 साल पूरे हो गए हैं और इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। अब देखना अहम ये भी होगा कि उत्तर प्रदेश में 7 महीने बाद चुनाव आने वाले हैं, जिस परिस्थितियों से कोरोना काल में उत्तर प्रदेश की जनता जूझी है और जिस तरह से आगे बढ़ी है उसके बाद क्या मोदी मैजिक बरकरार रहता है, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी सरकार
बनती है या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे किसी बड़ी चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए प्राइम टीवी।